नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, NFL मतलब नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर बहुत बड़ी बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है दोस्तों। बहुत ही बड़ी बड़ी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है और यहाँ पे आपको फीस मतलब ज़्यादा लगने वाली नहीं है और सब कुछ ठीक है। तो चलो देख लेते कौन कौन सी पोस्ट निकली, कितनी सारी पोस्ट निकली है, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की और सैलरीज कितनी मिलने वाली है और फीस कितनी लगने वाली है। तो चलो दोस्तों देख लेते डायरेक्टली नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों आपके सामने ओपन करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी डिटेल्स में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आपके सामने ओपन हो चुका है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से निकला हुआ रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन। तो कौन कौन सी पोस्ट है चलो देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का नेम है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL, और यहाँ पे पोस्ट का नाम देखा जाए तो आप देख सकते हैं सीनियर मैनेजर F&A फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट निकली है, असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स के लिए निकला हुआ पोस्ट है और मटेरियल ऑफिसर के लिए पोस्ट है। तो ये चार पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चारों पोस्ट दोस्तों निकल के आ चुकी है। कौन सी कितनी पोस्ट है चलो देख लेते हैं। सीनियर मैनेजर की यहाँ पे जो पोस्ट है वो टोटल दो पोस्ट निकली है, अकाउंट ऑफिसर की सात पोस्ट निकली है, असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल के यहाँ पे चार पोस्ट निकली है दोस्तों और मटेरियल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट निकली है। तो कुल मिला के 23 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे सीनियर मैनेजर एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए सेम है, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मतलब आपका CA किया होना चाहिए, या तो इसके लिए ऑप्शन है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अगर आपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या तो फिर आपके पास फुल टाइम 2 साल का रेगुलर MBA या PGDM किया होना चाहिए, वो भी स्पेशलाइजेशन आपका फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये और उसके साथ में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये हो गया दो पोस्ट के लिए। बाकी जो दो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल और मटेरियल ऑफिसर के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो देख सकते हैं, डिग्री चाहिए आपकी इंजीनियरिंग की किसी भी स्पेशलाइजेशन में, या तो फिर आपका फुल टाइम रेगुलर MBA किया होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, और या तो फिर आपका PG डिप्लोमा किया होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में अपने 2 साल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों सैलरीज़ की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट ऑफिसर मटेरियल ऑफिसर के लिए सेम सैलरी है, 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये तक। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए सैलरी यहाँ पे देखेंगे 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाली है। और जो लास्ट की पोस्ट थी सीनियर मैनेजर F&A की, तो इसके लिए यहाँ पे मिनिमम 80,000 से लेके 2,20,000 तक यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो दोस्तों सैलरी की कोई बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया सैलरी है यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे आपका जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बैठते हो आपका क्वालिफिकेशन बेटर है तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों ये पोस्ट बहुत ही भारी निकली है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, और लास्ट डेट आप देखेंगे तो 25 जून यहाँ पर दी गई है, मतलब 25 जून के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। आपकी आज की डेट देखा जाए तो 7 जून है, मतलब काफ़ी समय आपके पास है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर्स दिया गया है वो सीनियर मैनेजर के लिए, और 40 ईयर्स दिया गया है वो असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल के लिए, बाकी के लिए तो 30 साल दिया गया, मतलब 30 ईयर्स है अकाउंट ऑफिसर और मटेरियल ऑफिसर के लिए। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, जो कि रूल के हिसाब से होता है। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी और OBC दोनों के लिए लगने वाली फ़ीस है, वो है सीनियर मैनेजर के लिए आपको यहाँ पे 1,000 रुपये लगेगा, और बाकी जो पोस्ट है तीन पोस्ट है जो अकाउंट ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल का और मटेरियल ऑफिसर, ये तीनों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 रुपये फ़ीस लगने वाली है। और दोस्तों अगर आप SC ST कैंडिडेट हो या PWD हो या फीमेल हो तो आपको यहाँ पर कुछ भी फ़ीस नहीं लगने वाली, आप डायरेक्टली नील है, मतलब आपको कुछ भी फ़ीस नहीं भरना है, डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगी और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और दोनों के ऊपर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। आपको अप्लाई किस तरह से करना है तो दोस्तों यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए या डिटेल फॉर्म फिलअप करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जाना है NFL वेबसाइट पर, जैसे कि www.nationalfertilizers.com पे, उसके बाद में आप जाएंगे करियर सेक्शन में, और करियर सेक्शन में आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट इन NFL सेक्शन, उसमें आप जाएंगे रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सटेंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन मटेरियल एंड फाइनेंस डिसिप्लिन, और उसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपको लेना है, ड्यूली फिल करना है, साइन करनी है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, और उसके बाद में उसको भेजना है। वो कहाँ पर भेजना है तो आप देख सकते हैं चिप मैनेजर HR नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड A11 सेक्टर नंबर 24 नोएडा
डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, आपको यहाँ पे भेजना है नोएडा में आपका एप्लीकेशन, और वो जो इनर ऑफ है उसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, उसके आगे जो आप पोस्ट सिलेक्ट करोगे उसका नाम आगे डालना है और इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो दोस्तों चलो, अगर आप देखना चाहते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने जो बताया वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं ज़रा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में आसान रहे। आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन मटेरियल एंड फाइनेंस डिसिप्लिन, आप देख सकते हैं। देखिए जो मैंने बताया सीनियर मैनेजर फाइनेंस एंड इसके लिए, दूसरी जो पोस्ट थी अकाउंट ऑफिसर के लिए, और आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल्स की और मटेरियल ऑफिसर की। तो नीचे सैलरी भी दी गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं 40,000 से 1,40,000, 50,000 से 1,60,000, ऐसी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जो मैंने रिजर्वेशन की बात की थी वो बताया नहीं था, तो चलो यहाँ पे बता दूँ आपको। अगर सीनियर मैनेजर की पोस्ट निकली है ना, दो पोस्ट, वो दोनों पोस्ट में से एक एससी के लिए है और एक ओबीसी के लिए, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अकाउंट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट, सात पोस्ट निकली है उसमें से आप देखेंगे तो अनरिजर्व के लिए चार पोस्ट हैं, दो पोस्ट एसटी के लिए है और एक पोस्ट ओबीसी के लिए है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हैं ये होगी सात पोस्ट। और दूसरी जो चीज़ है दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर मैथ्स की जो मतलब मटेरियल की जो निकली थी पोस्ट, उसके लिए चार पोस्ट में से आप देखेंगे तीन पोस्ट अनरिजर्व के लिए है और एक पोस्ट जो है वो ओबीसी निकलर के लिए है, नॉन क्रिमिनल के लिए। और आगे जो पोस्ट है मटेरियल ऑफिसर की, 10 पोस्ट जो निकले उसमें से 5 पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, मतलब ओपन के लिए, और बाकी दो पोस्ट जो है वो एक है एससी के लिए और एक है बैकलॉग की जो है वो एक एचएच के हैंडीकैप की है, बाकी जो दो पोस्ट है वो ओबीसी की है और एक पोस्ट है जो ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं कैटेगरी वाइज, ऐसी पोस्ट है। तो आप देखिए कौन सी कैटेगरी में आप बैठते हो और उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको सारी बताई, अगर कुछ रहेगा तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में दी गई है, इसके लिंक मैंने वहाँ पे दिए नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं और सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी जरूरी है तो वो भी देख लीजिए। सीनियर मैनेजर के लिए यहाँ पे 13 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है और अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे 1 साल का, उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल के लिए यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है और उसके बाद में मटेरियल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पे आके जरूर एक बार विजिट कर लीजिए ताकि सारी चीज़ आपको पता चले। तो दोस्तों आई होप सारी चीज़ आपके समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली ऐसे ही न्यूज़ देखने को मिलेगी जो कि पूरा भारत देश में जो भी जॉब्स निकलता है, अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब, मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे कवर करता हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब कौन से सेक्टर में कौन सा निकला है वो सारी चीज़ें मैं आपके वीडियो पे डालता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने लीजिए, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का बटन मिलेगा वो उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो बनाऊँ उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो के नीचे नोटिफिकेशन बार में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी मैं हर चीज़ अपडेट करता रहता हूँ जॉब्स के बारे में। तो आप उस पर भी जाके जरूर उसको सपोर्ट कर लीजिए दोस्तों, ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल को ताकि आपको सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नए जॉब के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।